न्यू लोटस हॉस्पिटल में मरीजों से धन उगाही और बीआरडी मेडिकल कॉलेज गेट पर राजू मेडिकल स्टोर पर दवाओं के मूल्य की ओवर रेटिंग किए जाने के संबंध में मिली शिकायत पर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व के जांच के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। न्यू लोटस हॉस्पिटल और राजू मेडिकल स्टोर से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसकी जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने जिले के सभी नर्सिंग होम संचालकों एवं चिकित्सकों से अपील किया है कि चिकित्सकीय सेवा मानवीय सेवा है, इसलिए सोच समझ कर मरीजों का इलाज करें और उनका कतई शोषण ना करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, हाँ, एडीएम प्रशासन का पिछले दिनों फोन आया कि कुछ एक नर्सिंग होम है जिसमें कुछ इस तरह से अनियमितताएं हो रही हैं, जिसमें कि हमने अपने एक नोडल अधिकारी को वहाँ भेजा और एडीएम फाइनेंस और हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर ए के सिंह दोनों उन्होंने मिलकर के जांच की। कुछ कमियां पाई गई जिसके लिए हमने नर्सिंग होम संचालक के से नोटिस का मांगा है कि उसका जवाब एक हफ्ते के अंदर दें। और किन कारणों से बाहर का मरीज जो रिफ़र बीआरडी मेडिकल कॉलेज को रिफ़र किया गया था वो कैसे आपके हॉस्पिटल पहुंचा और कौन कौन सी दवाइयां लिखी गई थी, क्या ये दवाइयां ज़रूरी थी लिखना, और पेमेंट में भी क्योंकि हम पेमेंट से तो नहीं रख सकते हैं लेकिन एक रिजनेबल पेमेंट भी लेना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि आपका पेमेंट जो आपने क्लियर लिया है उसको आप जस्टिफाई करिए कि किन किन जगहों जिस चीज़ों में आपने पेमेंट लिया है। सर, ओवर रेटिंग के जो मामला आया उसमें, जो दवाओं को ओवर रेटिंग का मामला आया सामने, हाँ, इसका संज्ञान में आया कि आज परसों जो है राजू मेडिकल स्टोर है जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पास में है, तो वहाँ भी एडीएम फाइनेंस और ड्रग कंट्रोलर ने जा कर के वहाँ मायना किया था तो उसमें कुछ पाया है, तो वो हमारे संज्ञान में है। जब नर्सिंग होम स्पष्टीकरण देंगे तो उसमें इसको भी संज्ञानित करते हुए उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और दोषी अगर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे नर्सिंग होम या ऐसे मेडिकल स्टोर को कि इस तरह मरीजों का शोषण न करें, अगर आप कुछ? नहीं, बिल्कुल, हम ये पेशा जो है बहुत ही मानवीय पेशा है, बहुत ही आदर्श पेशा है, ये इस पेशे से कमाई के बजाय हमें मानवता की सेवा करना चाहिए, मरीजों की सेवा करना चाहिए। और हम ये मना नहीं करते हैं कि कोई भी नर्सिंग होम मरीजों को भर्ती न करें, लेकिन उसको पहले से काउंसलिंग करें कि वो आपके नर्सिंग होम का वो एफर्ट कर सकता है कि नहीं, पेमेंट उसका दे सकता है कि नहीं है। अगर वो देने लायक नहीं है तो उसको हमारे जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज में फ्री सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसको एडवाइस करें कि आप जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज चले जाइए, वहाँ फ्री सुविधा उपलब्ध है और हमारे यहाँ आकर इलाज कराएं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बरगला करके कि हम ठीक करेंगे, इलाज करेंगे और रोक लेंगे, तो इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए हम नर्सिंग होम एसोसिएशन और आईएमए के डॉक्टरों से भी हम मुलाकात करेंगे, उनको बुलाएंगे और कि इस तरह से एक मानवीय दृष्टिकोण सबको अपनाना पड़ेगा जिससे कि लोगों का शोषण ना हो और एक सबको बेहतर इलाज दिया जा सके।